3 से 4 फीट का। तो दोस्तों आज आपको रिवर्स बेगिंग का एक पैटर्न बताएंगा मैं, और किस तरह से रिवर्स बेगिंग की जाती है कमरे के अंदर। इसकी टेल देखिए दोस्तों, ये देखिए ये बहुत कम होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इस तरह से सांप को पकड़ना है सबसे आसान तरीका है दोस्तों, देख सकते हैं। दोस्तों यूट्यूब चैनल स्वागत है आप देख एसपी पदम सिंह का यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों शाम के लगभग 7 बज गए और उदयपुर में बारिश का मौसम है, तो घर में सांप आ गया है, तो आपको निकाल के बताएंगे। ये बड़गांव इलाका है और रामगिरी गांव है यहाँ पर, ये उदयपुर से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर होगा। तो ये दोस्तों देखते हैं, दहशत का माहौल है घर में, आके जमा के रखिए, खतरा तो हो भी सकता है और नहीं। दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको कमरे के अंदर सांप घुस गया है। ओके भैया, तो दोस्तों इसके पीछे ये ना कोई सांप है बड़ा सा, तो निकाल के बताते हैं आपको, ऐसे मुझे खतरा वो भी सकता है और नहीं। इसके पीछे काफी बड़ी साइज है, तो आप देख सकते दोस्तों इंडियन रेड स्नेक, देख सकते हैं। इंडियन रेड स्नेक दोस्तों आप देख सकते हैं, ये आम भाषा में लोग दामन कहते हैं और घोड़ा पछाड़ भी कहता है, कहा जाता है कहीं कहीं पर इसे। और ये बिना जहर का सांप होता है, अगर ये काट भी ले तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं दोस्तों, क्योंकि ये सांप जहरीला नहीं होता, आप देख सकते हैं। इंडियन रेड स्नेक जिसे लोग आम भाषा में दामन और घोड़ा पछाड़ कहा जाता है, ये बिना जर का सांप होता है दोस्तों, और अगर काट ले तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं दोस्तों, और ये लगभग होगा 3 से 4 फीट का। तो दोस्तों आज आपको रिवर्स बेगिंग का एक पैटर्न बताएंगा मैं, और किस तरह से रिवर्स बेगिंग की जाती है। बिल्कुल सेफ तरीके से बेगिंग करूँगा, काफ़ी स्नेक रेस्क्यूअर ये पैटर्न फॉलो भी करते हैं बड़े बड़े, तो आपको बिल्कुल सेफ तरीके से दिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप देख सकते हैं इसका पैटर्न, ये इसका पैटर्न होता है दोस्तों, इसका पैटर्न दोस्तों आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनकी पुकार सुन सकते हैं दोस्तों। इंडियन रेड स्नेक किस तरह से ये कमरे के अंदर, इसकी टेल देखिए दोस्तों, ये देखिए ये बहुत कम होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये इंडियन रेड स्नेक, ये देखिए दोस्तों किस तरह से सांप ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, और तो आप देख सकते हैं, ये देखिए सांप दोस्तों कहां पर घुस चुका है सामानों के अंदर। कौन कहता है कि सांप ऊपर नहीं चढ़ सकता, ये वीडियो साक्षात गवाह है दोस्तों, इस कैमरे में कैद हुआ। आप देख सकते हैं ये देखिए दोस्तों इंडियन रेड स्नेक, आप देख सकते हैं दोस्तों इंडियन रेड स्नेक काफी बिग साइज में, सांप जहरीला नहीं होता, पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये काफी तेजी से हमला करता है, और ये दोस्तों देखिए इसका जजमेंट। तो दोस्तों अभी से निकाल के बताएंगे आपको बाहर, ये चूहों गिलहरियों का शिकार करता है, और चूहों गिलहरियों का शिकार करता है और मेंढकों का, और अगर ये सांप किसी को बाइट कर ले तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सिर्फ नॉर्मल ट्रीटमेंट लेकर भी इससे काम चल सकते हैं, ये सांप बिना जहर का होता है और कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, आपको आज रिवर्स बेगिंग का एक पैटर्न बताते हैं, बिना सांप को परेशान किए हम सांप का रेस्क्यू करेंगे। आप देख सकते हैं इंडियन रेड स्नेक काफी बिग दोस्तों, तो आपको रिवर्स बेगिंग का पैटर्न बताएंगे आज।
दोस्तों आप दे देते रिवर्स सही ना पैटर्न किस तरह से सांप को पकड़ना है सबसे आसान तरीका है दोस्तों देख सकते हैं एक हाथ में थैली और धीरे धीरे सांप को ऊपर कर ये देखिए दोस्तों काफी एग्रेसिव मूड में है पर कोई दिक्कत की बात नहीं ये सांप बिना जहर का होता ये देखिए दोस्तों किस तरह से अटैक कर रहा है दोस्तों किस तरह से ये एग्रेसिव मूड में है और ये देखिए दोस्तों ये देखो दोस्तों वाइट कलर इसने यहाँ पर और ये इसका मुंह हेड आप देख सकते हैं ये इसका हेड है तो दोस्तों इसे पैक करते हैं और काफी आसान तरीका है ये रेस्क्यू करने का और फिर आप सांप को छोड़ सकते हैं इस तरह से और सांप अपने आप आपके सामने जो फॉरेस्ट में यूज़ कर रहा हूँ ये इंटरनेट से भी दाप आशा में दावर के थे और लोगों को देश का भी जैसा कि देख रहे हैं कमरे के अंदर सांप आ गया था आप देख सकते हैं अभी जा चुका है फॉरेस्ट दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियो मिलने पर तो मिलता है अगली वीडियो में दोस्तों।